नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा। साथियों, आज हमारे घर पर दो डाक आई हुई हैं जो कि हमारे छोटे भाई ने इनको रिसीव किया है, जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दो डाक आई है, वो एक रजिस्ट्री है और एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आई है। दो डाक आई हैं, तो एक ये है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है सेवा में काशी प्रसाद कुशवाहा पुत्र गिरधारी। काशी प्रसाद कुशवाहा हमारे बाबा का नाम है और परगना व तहसील काल्पी जनपद जालौन। और इसमें पिन कोड नंबर जो था वो 2851-23 था, लेकिन उसको काट करके फिर जो हमारे गांव का पिन कोड नंबर है 2852-02 वो लिखा गया है। और ये भेजा गया है, प्रेषक हैं इसके शेखर श्रीवास्तव एडवोकेट पुत्र स्वर्गीय श्री के श्रीवास्तव एडवोकेट राजस्व परिषद हाईकोर्ट, पता श्रीराम कुटीर बड़ा बरहा आलमबाग लखनऊ। और इनके दो मोबाइल नंबर भी पड़े हुए हैं। और साथ में एक दूसरा स्पीच पोस्ट आया है और वो भी है सेवा में श्री काशी प्रसाद पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम आटा परगना व तहसील काल्पी जिला जालौन, पिन कोड 2851-23 है, जबकि पिन कोड हमारा 2852-02 है, लेकिन इसमें पिन कोड 2851-23 लिखा हुआ है। और इसके जो प्रेषक हैं प्रेषक पंकज वर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट, और इनका मोबाइल नंबर है 8090-3006-00, यानी कि 8090-300-600 इनका मोबाइल नंबर है। आप देख सकते हैं ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया है। और मैं इसमें एक ख़ास बात दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर देखिए, इसको मैंने ये मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें खोलने के बाद इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी ये कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए, लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखा है। ये जो भी लिखा हो वो वकील को हम दिखाएंगे, इसमें कुछ लिखा है। लेकिन ये जो दूसरी वाली इसमें जो रजिस्ट्री है, ये वाला जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया है, इसमें आप देखिए, इसमें ये इसमें एक ये कागज़ है जो प्योर ब्लैंक है। आप देख सकते हैं इसमें इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसमें कुछ भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। इसको हम पूरी तरीके से खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए पूरा ब्लैंक है, ये पूरा ब्लैंक है। अब पता नहीं इन एडवोकेट साहब को कुछ लिखना भूल गए, या ये इनका क्या मकसद है, या परेशान करना इनका मकसद है, या जो भी मकसद हो, तो वो हम आपको इस वीडियो को माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि इस टाइप से भी कुछ एडवोकेट लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। अभी फ़िलहाल में हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आपने ये क्यों भेजा है। तो अभी हम फ़ोन लगाने वाले हैं, वो मोबाइल दियो, ये हमारा छोटा भाई है, ये नंबर डायल करके देखो। हाँ, अभी देखिए आपके सामने हम अभी नंबर लगा रहे हैं इनको, एडवोकेट को, इन्होंने क्यों भेजा है, जबकि मैं इनको किसी भी तरीके से जानता नहीं हूँ। अब इनका क्या मकसद है, क्या है? हाँ, कॉल करो। ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, आप देख सकते हैं ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। इसको दोबारा से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। एयरटेल जियो कौन सा लगाएं? करना चाहते हैं, ये देखिए वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. तो ये बराबर नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को परेशान करने का काम करते हैं लोग।
नंबर एक बार मिला लेते हैं, 80, 90, 300 और 600 नंबर एकदम सही है जो इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 80, 90, 300, 600 नंबर एकदम सही है। और यही नंबर मैं बार बार डायल कर रहा हूँ, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मैंने नंबर ऊपर डायल किया है। तो ये हालत है आजकल के एडवोकेट्स की। फिलहाल में इनसे हम लीगल तरीके से जो भी होगा वकील की मदद से हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल में ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा था कि लोगों को अवेयर करें, साथ ही इस टाइप की जो रजिस्ट्री है इनका क्या मकसद है, क्या मंसूबा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये वीडियो गवाह रहेगा कि इस टाइप से भी लोग लोगों को परेशान करते हैं, एडवोकेट्स को परेशान, एडवोकेट वगैरह लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। चलिए नमस्कार।